खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बैठिए। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरेस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, नेवर खड़गे जी इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड राज्यसभा प्रोसीडिंग्स, देयर हैज बीन सच डिसरिगार्ड ऑफ द चेयर एज फ्रॉम यू। यू आर फोर्सिंग मी एंड आई हैव सेड सो नंबर ऑफ ऑकेजन्स, यू टेक इट इन अ मैनर विच इज रॉन्ग। टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ना प्लीज। मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किनने बनाया है, ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदंबरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सी। नो अगेन देयर इज अ 24/7 प्रोफेशनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।